नमस्कार प्रणाम आप सभी को पैर छू के मेरे भाई लोग, मैं यादव कुशवाहा जो विवाद चल रहा था उसी पे एक वीडियो बनाया था, मेमलेश यादव को समझाया था, बाकी कुशवाहा समाज के अमरजीत कुशवाहा दो चार और लड़के हैं उनको समझाया था कि आपस में कुछ भी करो लेकिन किसी भी जाति को बदनाम ना करो। इस प्रकार से मैं वीडियो बनाया था तो उसमें मेरे वीडियो के कमेंट में कुछ लड़के आए और गलत गलत कमेंट किए थे, उन्हीं का मैं आज जवाब देने वाला हूँ। तो उसमें से पहला है सम्राट म्यूजिक जो कुशवाहा समाज से बिलोंग करते हैं ये भाई साहब। तो मैं सभी कुशवाहा भाइयों से कहना चाहता हूँ, ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये जवाब आपके लिए नहीं है, आप अपने दिल पे मत लीजिएगा, ये केवल इनके लिए है जो यादव जाति के लिए ऐसे कमेंट किए थे। देख लीजिए ये कमेंट है इनका, यादव अपनी माँ बहन इस प्रकार से, तो मैं इतना बीघा ज़मीन दूंगा, पुदीना दूंगा, दुकान दूंगा, 50 kg ये दूंगा, भंटा दूंगा, गोभी दूंगा, इसी प्रकार से। तो भाई मैं तेरे लिए अब ऑफर रख रहा हूँ, सुन, अगर तेरी माँ बहन मेरे पास सोने आएगी तो मैं आजीवन भर दूध पिलाऊंगा उनको, पूरा फ्री मुफ्त है, और मट्ठा दम भर पिलाऊंगा, दम भरे लूंगा। और सुन, तेरी माँ बहन को 10 गाय और 10 भैंस दूंगा, पूरे मतलब मुफ्त में। और सुन मेरे भाई, और क्या क्या दूंगा, तेरी माँ बहन को 10 बछड़ा भी दूंगा और 10 वो जो छुट्टा सांड होते हैं ना, सांड, वो सांड दूंगा तेरी माँ, जो तेरी माँ बहन है उनसे उनका काम चलेगा। और सुन, तेरे माँ बहन के लिए क्या क्या ऑफर है, 10 गाय फ्री कर दूंगा, 10 भैंस फ्री कर दूंगा, और गाय का बछड़ा 10 फ्री कर दूंगा, और भैंस का बछड़ा 10 फ्री कर दूंगा। तो सब तेरे माँ बहन के लिए, अगर तेरे माँ बहन मेरे पास होती हैं तो इतना फ्री कर दूंगा। बड़ा हरामी हो बेटा। और सुन, क्या क्या फ्री करूंगा, तेरे माँ बहन के लिए 10 ठोस सांड भी फ्री कर दूंगा, सांड, ठीक है, तो तेरे माँ बहन के लिए काम आएगा। 10 ठोप भैंसा भी फ्री कर दूंगा, ले जा सब, तू ले जा अपने माँ बहन के पास, बस अपने माँ बहन को मेरे पास भेज देना, जो कमेंट किया है उसी का जवाब है, ठीक है मेरे भाई लोग। अब एक और है, सुनिएगा, इसके पंकज राजपूत, बस इसके लिए है और किसी राजपूत भाइयों के लिए नहीं है। तो सुन मेरे भाई, ये लिखा है, ये पूरा यादव नीच होते हैं, यादव जाति नीच होते हैं। देख मेरे भाई, हर एक जातियों में नीच है, हर एक जातियों में लोग गाली देते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि हर एक जाति नीच होती है, हर एक जाति के लोग नीच होते हैं, ठीक है, ये सोच बदल पहले। अच्छा, हमको सिखा दिया है। और अगर तेरे बारे में मैं बताने लगूँ ना, तो अब तू खुद अपने जाति पे जो है ना घृणा करने लगेगा। अगर ऐसी बात हो तो तुम्हारे जात में बहुत ऐसे जो लोग हैं देशद्रोही और विद्रोही पैदा हुए, ठीक है, पूछ कैसे, मान सिंह को देख, जोधा अकबर, मुगलों से संबंध देख, उठा के देख एक बार इतिहास, खुद इतिहास, जो इतिहास इतिहास नाम लेता है उसी इतिहास में तू पाएगा, अंग्रेजों का सिपाही बन के। तो इसका ये मतलब थोड़ी नहीं कि सब राजपूत देशद्रोही हो गए, ठीक है, तो इस प्रकार से जो गाली देते हैं इसका ये मतलब नहीं कि पूरे समाज मतलब नीच होता है, ठीक है, जो लोग गाली देते हैं वही नीच होते हैं, ठीक है, अगर इस तरह हुआ तो पूरा राजपूत समाज देशद्रोही हो गया, समझ जा, क्योंकि मुगलों से संबंध, अंग्रेजों से संबंध, सबसे ज़्यादा घनिष्ठ संबंध तुम्हारा ही है भाई, तू भी साइड निकल। अरे देवा, ये गड़बड़े बाबा। अब एक और है जो बोल रहा है कि जय यादव जय माधव चिल्ला रहे हो, गौ माता को ऐसे करो रक्षा करो, तो मेरे भाई बस इतना तू बता दे, कहाँ तक हम गौ माता को रक्षा करेंगे, किस किस देश में जाके गौ माता का रक्षा करेंगे। मान अपने देश में हम लोग गौ माता को गौ माता मानते हैं, लेकिन अन्य देशों में जो वो लोग गौ माता को भोजन मानते हैं उनके क्या हम उसे मतलब समझा सकते हैं। अच्छा, हमको सिखा दिया है। वहाँ के लोग गौ माता को भोजन मानते हैं, पाकिस्तान के लोग गौ माता को भोजन मानते हैं, मीट मांस मानते हैं, ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। मोदी जी में भी उतना पावर नहीं है जाके चीन में, पाकिस्तान में, अन्य देशों में जाके रोक दे गौ माता को काटने से, तो ये फर्जी का बातें बंद कर, ठीक है, इससे लोग बस वहाँ यूज कर जहाँ वोट लिया जा सकता है, गौ माता का रक्षा वहाँ मतलब ये कर जहाँ वोट लिया जा सकता है। हम लोग मानते हैं हिंदू धर्म में बस गौ माता मानते हैं, अन्य कहीं गौ माता को रक्षा नहीं किया जाता है, कहीं गौ माता को माता नहीं माना जाता है, ठीक है, ये तेरे लिए है मेरे भाई, ठीक है। तो तू भी अगर नहीं विश्वास है तो एक बार मोदी जी से, योगी जी से जा अपील कर, और बोल अन्य देशों में जाके गौ माता को जो मतलब लोग मीट मान के खाते हैं उनसे जाकर रुकवा दे, रुकवा देगा पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में किसने देश से रुकवा देगा, गजब बेइज्जती है। ये फर्जी की बातें यहाँ मत कर, ठीक है, हर किसी को जवाब देने के लिए सक्षम हूँ, हर किसी को जवाब दे सकता हूँ पूरे पॉइंट के साथ, ना मैं गलत रास्ते पर रहता हूँ, ना गलत बात बोलता हूँ, जो मेरे अंदर आता है, मेरे वीडियो के अंदर आता है, गलत जवाब दे तुरंत जवाब देता हूँ, बस इतना ही बोलूँगा मेरे भाई लोग, थोड़ा ये वीडियो शेयर मार दीजिए ताकि इन कुकुरों के बातों का जवाब मिल जाए, तो प्लीज़ दबा के शेयर मारिएगा ताकि इनके पास पहुँचे। नमस्कार, प्रणाम आप सभी को, पैर छू गए।